हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है अतुल शर्मा। तो दोस्तों, आज हो चुके हैं 2 फरवरी 2023 और दोस्तों आज तक भी बहुत सारे क्रिएटर्स को उनके यूट्यूब की पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, जबकि दोस्तों उनको मेल 21 से लेकर 22 तारीख को ही आ गई थी कि हमने आपकी पेमेंट को भेज दिया है और आपकी पेमेंट आपको 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाएगी। दोस्तों आमतौर पर हर एक क्रिएटर को उसकी पेमेंट 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच बीच आ जाती है। दोस्तों मेरी खुद की पेमेंट हमेशा 23 तारीख से लेकर 24 तारीख को आ जाती थी, पर दोस्तों इस बार मेरी पेमेंट खुद मुझे रिसीव हुई है 30 तारीख को। और दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट उनको आज तक नहीं मिली है, जबकि उनके मेल को आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में, अगर आपकी पेमेंट एक प्राइवेट बैंक में आ रही है तो आपकी पेमेंट कब तक आ जाएगी, अगर आपकी जो पेमेंट है वो एक सरकारी बैंक में आ रही है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे यूको बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी सरकारी बैंक हो, या फिर अगर आपका जो पेमेंट है वो फर्स्ट टाइम आ रही है, पहली बार यूट्यूब से पेमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आपका चैनल कुछ महीने पहले मोनेटाइज हुआ था, आपके 100 डॉलर पूरे हो गए हैं, आपकी पेमेंट आने वाली है, फर्स्ट टाइम आने वाली है। और दोस्तों अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से आपका चैनल डिलीट हो चुका है या फिर आपका एडसेंस डिसेबल हो गया है तो क्या आपकी पेमेंट आएगी, दोस्तों जानेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स इन 4 कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको पेमेंट सबसे पहले मिल जाएगी, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी पेमेंट मिलेगी नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी इन कैटेगरीज में आते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है अतुल शर्मा वॉइस, आप जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अपने चैनल को मोनेटाइज कराते हैं तो आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और दोस्तों आपको एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हैं। अगर आपका जो बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक है, अगर आपकी पेमेंट HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में आ रही है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट कल से लेकर आज तक आपके अकाउंट में आ जाएगी, बिल्कुल नो टेंशन। और दोस्तों अगर आपका सरकारी बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक कोई बैंक है तो दोस्तों आपकी पेमेंट हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद आए, पर दोस्तों पेमेंट आपकी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनका अकाउंट एक प्राइवेट बैंक में है, दूसरे वो लोग जिनका अकाउंट एक सरकारी बैंक में है, अब दोस्तों तीसरी वो लोग जिनको पहली बार अपनी पेमेंट लेनी है, जिनकी फर्स्ट टाइम पेमेंट आ रही है। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी पेमेंट 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक नहीं आती है तो फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाकर बैंक ब्रांच में बात करनी है, आपको मैनेजर के पास जाना है, उनसे बोलना है कि सर मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ रही थी, अभी तक पेमेंट नहीं आई है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कहीं मेरी पेमेंट होल्ड तो नहीं हो गई है। दोस्तों वो चेक करेंगे, अगर आपकी पेमेंट होल्ड हुई तो आपसे वो एक फॉर्म भरवाएंगे, आपसे फॉर्म भरवाने के बाद आपकी पेमेंट वो रिलीज़ कर देंगे। पेमेंट रिलीज़ होने के बाद दोस्तों 1 से 2 दिन में आपकी पेमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपकी पेमेंट को रिलीज़ करेंगे, तुरंत पैसा आपके खाते में आ जाएगा, फॉर्म भरवाने के करीबन 1 से 2 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। कहने का मतलब आपको 5 से 6 तारीख तक वेट करना पड़ेगा अगर आपका जो बैंक है वो सरकारी है और आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट लेनी है तब। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही किसी प्राइवेट बैंक को यूज़ किया हुआ है तो दोस्तों आपकी पेमेंट आराम से आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी पेमेंट YouTube नहीं भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चैनल को YouTube ने डिसेबल कर दिया है, मान लीजिए आपका चैनल YouTube ने डिलीट कर दिया है, या फिर आपका एडसेंस YouTube ने डिलीट कर दिया है, या फिर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपका चैनल डिसेबल होने वाला था 20 तारीख को, 21 तारीख को या इवन 22 तारीख को, तो दोस्तों आपकी पेमेंट नहीं आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपने एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त जो अपना स्विफ्ट कोड था या फिर आपने जो बैंक अकाउंट था वो गलत अकाउंट नंबर भर दिया था तो दोस्तों आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपकी पेमेंट YouTube के पास होल्ड हो जाएगी, आपकी YouTube के पास जो पेमेंट है वो इकट्ठी होकर नेक्स्ट महीने में चली जाएगी, अगले महीने में चली जाएगी। तो दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि जो आपने स्विफ्ट कोड डाला था, जो आपने बैंक अकाउंट डाला था वो बिल्कुल सही है, अगर वो गलत हुआ तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपकी पेमेंट YouTube होल्ड कर लेगा। तो YouTube आपकी पेमेंट तब आपको देगा जो आपका जो स्विफ्ट कोड होगा बिल्कुल सही होगा, आपका जो अकाउंट नेम होगा बिल्कुल सही होगा, जो आपका जो अकाउंट नंबर है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जब ये तीनों चीज़ें मैच कर जाएंगी YouTube वहाँ से पेमेंट डालेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और दोस्तों अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ गलत हुई तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी, वो पेमेंट वापस चली जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सरकारी में है तो आपकी पेमेंट 2 से 3 दिन में आ जाएगी, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं पेमेंट को तो आपको बैंक में जाकर बात करनी होगी, फॉर्म फिल करना होगा, आपकी पेमेंट आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपका चैनल डिलीट हो चुका है या होने वाला है या फिर आपने गलत स्विफ्ट कोड वगैरह डाल दिया है तो फ्रेंड्स आपकी पेमेंट नहीं आएगी, वो नेक्स्ट टाइम आएगी, और जिनका चैनल डिलीट होने वाला है उनकी पेमेंट तो कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आप इन 4 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड्स अपने हिसाब से देख लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।